यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उनसा क्यानी और आज मेरे साथ मौजूद हैं कानिता इम्तियाज़ जी। नाज़रीन, अब जैसा कि वर्ल्ड कप चल रहा है, लोग बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश से जो है ना देख रहे हैं। वैसे पहले ज़्यादा जोश व खरोश लोगों में देखा जाता था क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस थे सेमीफाइनल के, अब तो नामुमकिन सा लग रहा है, तो इसलिए लोग उस तरह से नहीं देख रहे। लेकिन अभी भी ये है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएँ की, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, दुआएँ थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब तक जो है ना लग रहा था कि सेमीफाइनल तक पहुँच जाएगा। हम अपनी टीम के लिए ना सही बाकी टीम्स के हारने की दुआएँ ज़रूर कर रहे थे कि वो हारें तो हम सेमीफाइनल तक पहुँच जाएँ। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ही चेंज हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच होना है उसमें तो पाकिस्तान नामुमकिन लग रहा है कि जीत सकेगा, तो नहीं जीतेगा तो ऑब्वियसली सेमीफाइनल तक नहीं जा सकेगा। तो हम जाके लोगों से जानेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं, इतनी दुआओं के बावजूद भी जो है ना पाकिस्तान टीम हमारी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो कानिता, आप क्या कहेंगी इस बारे में? मैं तो बस इतना ही कहूँगी उनसा कि दुआएं तब भी टीम के साथ थी, अभी टीम के साथ ही हैं। बारह लोगों से जाकर पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है और वो टीम से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। आपका नाम? मुजम्मिल हुसैन। अच्छा मुजम्मिल, वर्ल्ड कप देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल देख रहे हैं, बड़े जोश व जज्बे के साथ देखा जा रहा है। तो जोश व जज्बा तो अब चले, ये बताएं क्या जज्बात हैं आपके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके, उन्होंने अब तक जो खेला उसको लेके क्या जज्बात हैं? बड़ा ही टफ क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम एंड पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन यही परफॉर्मेंस अगर स्टार्टिंग में होती तो आई गेस कि हम आज हमें ये ना देखना पड़ता कि हम सेमीफाइनल उसके हारने से आगे आएंगे या उसके पीछे होने से आगे आएंगे। मतलब हम एक अच्छी एफर्ट के साथ आगे आ सकते थे अगर यही परफॉर्मेंस टीम की पहले से रही होती। वैसे हमारी तो सिचुएशन ये है कि फलां टीम हार जाए तो हम सेमीफाइनल तक जा सकते हैं। इसमें हमारी अपनी टीम की परफॉर्मेंस और फिर अभी लास्ट मोमेंट पे इतनी ज़्यादा उम्मीदें बन गई थी कि सेमीफाइनल तक इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अब जो सिचुएशन है पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है वो तो एक नामुमकिन सी सिचुएशन बन चुकी है। तो अब तो हम सेमीफाइनल में भी नहीं जा सकेंगे, इतनी दुआएँ की, इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी, उसके बावजूद सेमीफाइनल तक भी नहीं जा सके। तो कोई ख़ास अंदर से जज्बात उभरते होंगे अपनी टीम के लिए? बिल्कुल, जज्बात तो उभरते हैं, एक टीम को सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए और अब जब आगे वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो जाहिर सी बात है एक दुख तो होता है बंदे को कि यार मतलब हमारी टीम ही नहीं आगे खेल पा रही है। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेकिन ये है कि टीम में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है हमें कि उन चीज़ों को चेंज किया जाए, उन चीज़ों को अपडेट किया जाए स्पेशली हमारे। वैसे आपको क्या लगता है हमारी टीम इतनी कैपेबल है? वैसे वर्ल्ड कप में इतने हम चले गए और जो प्लेयर्स हैं वो सब आपको लगता है कितने कैपेबल हैं? वी आर प्रेडिक्टेबल। क्या नाम है आपका? सर इमरान। अच्छा इमरान, वर्ल्ड कप देख रहे हो? हाँ जी थोड़ा बहुत। अच्छा क्या जो भी सूरत हाल चल रही है वर्ल्ड कप की मैचेस के हवाले से अभी तक आपको नोहा तो होगा कि किस तरह के मैचेस हुए हैं, किस किस के साथ हम जीते हैं या हारे हैं, तो अभी आगे जो भी सिचुएशन नज़र आ रही है उस हवाले से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या इस काबिल है या इतना कैपेबल है कि वो इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकता है और अपने आप मुल्क का नाम जो है वो ऊपर कर सकता है? देखें इसमें अभी बहुत सारी चेंजिंग की ज़रूरत है टीम में, बहुत सारी चेंजिंग की ज़रूरत है। तो अभी तो ये वापस आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए, क्योंकि वो खुद एक क्रिकेटर हैं तो उनको चाहिए कि अपनी सुपरविजन में टीम के जो हालात हैं वो ठीक करें, इनके अंदर जो इनकी ग्रुपिंग है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि इनकी ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है टीम में, तो इसको थोड़ा कम करें और बाकी जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दें और नए प्लेयर्स को मौका दें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। आपका नाम? अमार। अच्छा अमार, मुझे बताएं वर्ल्ड कप देख रहे हैं आप? जी देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान के मैच तो एटलीस्ट मैं देख लूँ। अच्छा तो पाकिस्तान के लिए दुआएं भी बहुत ज़्यादा की गई, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक चला जाए, फाइनल जीत के आए, 92 वाली चीज़ों को अब से मिलाया जा रहा था। तो अभी जो सिचुएशन है वो तो मतलब नामुमकिन लग रहा है कि सेमीफाइनल तक पाकिस्तान का जाना, तो क्या जज्बात हैं आपके? एक्चुअली मेरे जज्बात तो ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी की तरह हर्ट तो हुए, फीलिंग्स हर्ट हुई हैं डेफिनेटली, लेकिन मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा, एक तो मेरा
ये कि हमें बजाय इसके कि हमें लक पे बिलीव करने के, लक का मैट ऑब्वियसली आंसर होता है लक का, लेकिन हार्ड वर्क पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें एज अ नेशन हार्ड वर्क के बजाय लक पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। हार्ड वर्क का जो आंसर है वो ज़्यादा होता है इन चीज़ों में, स्पोर्ट्स में, किसी भी काम में, किसी भी जॉब में हार्ड वर्क का आंसर ज़्यादा होता है और हमें हार्ड वर्क भी बिलीव करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है हमारी जो टीम है वो इतनी कैपेबल है कि वर्ल्ड कप में अब तक जो स्टार्ट में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही, फिर अभी के जो मैचेज हैं उनमें परफॉर्मेंस ज़रा बेहतर रही, जिसकी वजह से हम थोड़ा तो आगे उम्मीदें बनी कि सेमीफाइनल तक चले जाएंगे, तो आपको क्या लगता है हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतने कैपेबल हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस की वजह से वो जो है ना प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या आप कमी देख रहे हैं या क्या आपको लगता है कि वो कर सकते हैं? एक तो जी देखें, हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, ठीक है, हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से डेफिनेटली जो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस है वो बड़े मैचों में जाके शटर कर जाता है, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे, मेरा ये अपना जाती जो है राय है वो ये है कि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस वैसा नहीं है जैसा एक इंटरनेशनल प्लेयर का होना चाहिए, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट अगर होती तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई होता। ठीक है जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अनीस। अच्छा अनीस, वर्ल्ड कप देख रहे हो? जी देख रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि हमारी टीम ने जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड किया हमें, ऐसा होना नहीं चाहिए था, और अब तो वैसे भी कोई चांस नहीं रहा, अब घर आ गए तो अब कोई मज़ा नहीं रहा वर्ल्ड कप देखने का। है अच्छा, अभी तक जितने मैचेस हुए हैं वो सब देखे आप? तकरीबन। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी टीम इतनी कैपेबल है कि वो इस सिचुएशन से जो है वो शायद निकलने के काबिल? नहीं, अब निकलने के काबिल, अब एक ही हाल है कि दूसरी टीम जो है वो मैच ही छोड़ के चली जाए तो फिर ही इस काबिल है, नहीं तो नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा अभी तक हम वर्ल्ड कप जो चल रहा है उस पर हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स कर चुके हैं अब तक, लेकिन आज जो हमने प्रोग्राम किया इसमें एक जो चीज़ कहानी था मैंने देखी बहुत ज़्यादा, जिसका मुझे फील हुआ कि लोगों में बहुत ज़्यादा जो है ना एक दुख वाली कैफियत थी, बहुत ज़्यादा मायूसी थी कि इतनी सारी दुआएँ की उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है ना सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुँच पा रहा, क्योंकि एक जो मैच रह गया उसमें भी नामुमकिन है, तो अब समझ लें कि सेमीफाइनल में नहीं जा रहा, तो पहले हमें पता, तो इसे लोगों में ना आज मैंने देखा पहले हम जब भी इस टॉपिक पे बात करते थे लोगों से, लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने ज़्यादा दुआएं कर रहे थे कि जी पाकिस्तान जाएगा, फाइनल जीतेगा और ट्रॉफी हमारी है, लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में ना एक मतलब नाउम्मीदी देखी है, मायूसी वाली कैफियत देखी है, तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का कि लोग हमारी टीम से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतनी सारी दुआएँ करते हैं, उसके बावजूद हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, तो आप क्या कहेंगी कानिता इस बारे में? उनसा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लोगों में आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, थोड़ा बहुत गुस्सा भी जाहिर कर रहे थे। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी उनसा कि आने वाले दिनों में आगे जो भी मैचेस या इस तरह की सीरीज़ होती हैं अल्लाह ताला जो है वो इनको इस काबिल करे कि वो हिम्मत और हौसले के साथ जो है वो खड़े रहें, क्योंकि बहुत टाइम इस तरह भी होता है ना कि टीम के कुछ प्लेयर्स होते हैं वो भी डिसअपॉइंटेड होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज बीइंग अ प्लेयर यू शुड बी मोटिवेटेड, यू नो, सो गॉड ब्लेस अवर टीम, देखते हैं। बात ये कानिता जो कि इसमें है कि हमारी टीम जो है ना उसका उनका ये जो कि रिकी पोंटिंग ने भी बात की कि उनका मुकाबला खुद ही से होता है, बाकी टीम से नहीं होता, तो एक तो प्रेशर में आ जाती है, दूसरा प्रैक्टिस ना होने की वजह से, इस ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मतलब बहुत माइनर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हम बने आपकी आवाज़, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता कीजिए, देखते रहिए विजन टीवी। अल्लाह हाफिज़।